आदाब नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। अवाम टीवी के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जिला कलेक्टर ने एमसेट इम्तहानी मरकज का दौरा किया। तलबा को समझकर जवाब लिखने की तलकीन की। तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक तालीम फराहम करने औलियाए तलबा को मशवरा दिया। आइंदा नस्ल को पानी की खिल्लत से महफूज रखने गड़े खुदवाएं। पानी को अपने ही मकानों में जज्ब करवाया जाए। जमीनी सतह का तहफ्फुज़ करने आवाम को मेरबलिया का मशवरा। मौजे बंगनपल्ली की आवाम पानी की शदीद खिल्लत से परेशान। जमीनी सतह खुश्क, बोर पंप नाकाम। 1 किलोमीटर दूर फासला तय करते हुए पानी का हसूल। फोर्थ क्लास एम्प्लाइज एसोसिएशन की नई बॉडी बिला मुकाबला मुंतखिब। रामजी बने नए सदर। पीएनजीओ सदर किशन ने मुबारकबाद दी। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। इसी जगह ज़करिया ने अपने रब से दुआ की, कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। बस फरिश्तों ने उसे आवाज़ दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे यहिया की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला सरदार जापित नफ्ज और नबी है, नेक लोगों में से है। कहने लगे मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, इस तरह अल्लाह ताला जो चाहे करता है। कहने लगा परवरदिगार, मेरे लिए इसकी कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया, निशानी यह है कि 3 दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा, सिर्फ इशारे से समझाएगा। तू अपने रब का जिक्र कसरत से कर और सुबह व शाम इसकी तस्बीह बयान करता रह। सूरह आल इमरान आयत 38-41। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुछ फराइज मुकर्रर किए हैं, उन्हें बर्बाद न करना, और कुछ चीज़ों को हराम किया है, उनका इर्तिकाब न करना, और कुछ हदबंदियाँ की हैं, उन्हें फलांग कर आगे न बढ़ना, और कुछ चीज़ों से इसने बिला भूले खामोशी इख्तियार की है, तुम उनकी कुरेद में न पड़ना। हदीस मुबारका मशकवास। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ने एमसेट के इम्तहानी मरकज का दौरा किया और तलबा को मशवरा दिया कि वो सवाली पर्चा जात को बगौर पढ़े और समझकर उसका जवाब तहरीर करें, और आलिया तलबा को मशवरा दिया कि बच्चा जिस मैदान में दिलचस्पी रखता है उसी में उसकी हौसला अफजाई की जाए। जिले में मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अहलियत इम्तिहान यानी एमसेट के इनेकाद के मौके पर जिला कलेक्टर योगिता राणा ने पॉलिटेक्निक में कायम इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। उन्होंने अहदेदारों से गुफ्तगू की और इम्तिहानी तरीक़ेकार और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों के तल्लुक से इस्तफसार किया, और साथ ही तलबा से सवाल किया कि एमसेट के लिए दिया गया सवाली पर्चा कैसा है, और साथ ही उन्होंने तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ऑल द बेस्ट कहा और मशवरा दिया कि इम्तिहानी सवाल का बगौर पढ़कर और समझकर जवाब तहरीर करें। इस मौके पर इन एमसेट तलबा के साथ आने वाले सरपरस्तों से भी जिला कलेक्टर ने रुककर गुफ्तगू की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि औलियाए तलबा बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत न करें, बल्कि बच्चा जिस मजमून या जिस मैदान में दिलचस्पी रखता है उसमें ही उसको मौका फराहम करते हुए हौसला अफजाई की जाए। गैर जरूरी तसल्लुत तलबा के जहन को मुतासिर करता है और वो अपनी जहनी सलाहियतों के सही इस्तेमाल से खासिर रहता है। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा RDO यादी रेड्डी, DSP आनंद कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर नरसिंह यादव भी मौजूद थे। पानी का तहफ्फुज़ लाजमी है। जमीनी सतह की बरकरारी के लिए पानी को अपने ही मकानों में जज्ब करवाना लाजमी है। ये आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए एक बेहतरीन काम है। अपने मकानों में गड़े खुदवाएं, आवाम को मेरबलिया आकुला सुजाता का मशवरा। तेलंगाना तल्ली मुजस्मे के करीब मेरबलिया आकुला सुजाता ने इस्तेमाल शुदा घरेलू पानी को जज्ब करवाने के लिए गड़ों की खुदाई के काम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बाज़ बातों को हम गैर अहम समझते हैं,
लेकिन वही बात इंतहाई अहमियत की हामिल बन जाती है। इसी तरह हम गढ़ों की खुदाई को छोटा और गैर अहम काम समझ रहे हैं, लेकिन ये इंतहाई अहम और दूरस्थ नतायज का हामिल प्रोग्राम है। उन्होंने बताया कि आप जमीन से रोजाना सैकड़ों लीटर पानी निकालते हैं और इस्तेमाल के बाद इस पानी को नालियों में बहा देते हैं। इस तरह मुसलसिल पानी की निकासी के बाद आपके अपने मकानों की जमीनी सतह आप कम होती चली जाती है और बोर पंप भी नाकारा हो जाते हैं। इसलिए अगर आप गले खुदवाकर इस्तेमाल शुदा पानी को अपने ही मकानों में जस करवा लें तो जमीनी सतह में कोई कमी वाकई नहीं होगी। साथ ही बारिश का पानी भी इन गड़ों के जरिए आपके मकान में ही जज्ब हो जाएगा। इस तरह हमेशा वाफर पानी मौजूद रहेगा और आपके बोर पंप कभी भी खुश्क नहीं होंगे। और ये मंसूबा आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, वरना आपकी कोताही आपकी नस्लों पर भारी पड़ेगी। उन्होंने ख्वाहिश की कि हर शख्स अपनी जानिब से अपने मकानों में गड़े खुदवाए, क्योंकि ये इसके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित होगा और इन गड़ों की खुदाई में हुकूमत की जानिब से भी मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मेयर बल्दिया ने 19वें डिवीजन में भी गड़ों की खुदाई के काम का इफ्तिता अंजाम दिया। चला सक्सेस अवुतुंदी एंदुकंटे इंकुड गुंतलु अदि आ इंकुड गुंतलु अनेटिवि नष्टं चेसे पनि कादु अदि लाभं पने काबट्टि प्रति ओक्करु कूडा दीनि मीद अवगाहन तीसुकोनि గల్లి గల్లికి కౌన్సిలర్ కార్పొరేటర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కొంతమందికి చెప్తూ ఉండాలి, వాళ్ళు ఇంకా పక్క వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలి. లేడీస్ కొంతమంది తెలియకపోయినా ఇంకుడు గుంత ప్రతి ఇంటికి ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఇంకుడు గుంత ఉండాలి. కొత్తగా నిర్మించే భవనాలకు మాత్రం తప్పకుండా ఇంకుడు గుంత ఉంటేనే పర్మిషన్ ఇవ్వగలుగుతాం మున్సిపల్ నుంచి. పార్టీ కార్కున్ అవామీ ఖిద్మత్ కే లియే ముతహర్రిక్ హో జాయే ఆర్ హుకుమత్ ఈ స్కీమా సే ముస్తహికీన్ కో ఫైజ్ పహుంచానే కే ఇక్దామాత్ కరే. రియాసత్ కీ ఫలాహీ స్కీమాత్ మిసాలీ హై. बाजी रेड्डी गोवर्धन का टीआरएस पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब. टीआरएस एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शहर के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी ने की, जिसमें पार्टी वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की. इस इजलास से खिताब करते हुए रुकने असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बाज अहम मशवरे दिए और कहा कि हर महीना इस तरह के इजलास मुनक़िद करते हुए पार्टी वर्कर्स को आवामी स्कीम से आगाह करने और कवामी खिदमत की तरगीब देने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की खुशकिस्मती है कि यहाँ के वजीर आला के चंद्रशेखर राव जैसी हरकियाती और तहरीकी शख्सियत है जो आवामी मफाद के लिए सरगर्म है और नतनई स्कीमात के जरिए रियासत को तरक्की की सिमत गामजर कर रहे हैं. वजीर आला केसीआर की इन स्कीमात की हर जगह जबरदस्त सताइश हो रही है. हत्ता के वजीर आजम हिंद ने भी इन स्कीमात की जबरदस्त सताइश की और इन स्कीमात को काबिले तकलीद बताया. बिलखसूस मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया, कल्याणा लक्ष्मी, दलितों को 3 करोड़ राजी और शादी मुबारक जैसी स्कीमात को रूबामल लाने पर वजीर आला को एक मुनफरिद शख्सियत माना जा रहा है. बाजी रेड्डी गोवर्धन ने टीआरएस कायदीन व कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो हुकूमती फलाही स्कीमात से आवाम को फैजाब कराने में अपना मौसर किरदार अदा करें और मुस्तहिक अफराद को ही इन स्कीमात से फायदा पहुँचाने के इकदाम करें और वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक आला पार्टी कायदीन मेहनत और लगन से अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. बिल्कुल उसी तरह पार्टी कायदीन भी मुतहर्रिक रहे. इस इजलास से सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी ने भी खिताब किया. इस इजलास के अहम शुरका में एमएलसी विजयगौड़, गोदन चेयरमैन एल्लैया, कायदीन टीआरएस एस अलीम और नवीद इकबाल के अलावा दिगर शामिल थे. అస్పిరెంట్ కావచ్చు, చివరి సమయ అధ్యక్షులు కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా ఆ మండలి వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళు ముఖ్యతంగా విలువ ఆహ్వానించి వాళ్ళ సమావేశం బాగుంది. నా సజెషన్ అది అలా ఉంటే మీద కోఆర్డినేషన్ జరుగుతుంది. ఒక దాని మీద ఈరోజు గౌరవ మన ప్రియతమ నాయకులు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరి ఉద్యమాలు చేసి మరి ఈరోజు ఆస్థానం తెచ్చుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటిగా ఆనాడు చెప్పిన 3 అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన ప్రియతమ నాయకులు దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ మారుమూల ప్రాంతంలో కూడా ఎక్కడ కూడా భూములు ఎండకుండా ప్రతి ఎకరానికి కూడా నీళ్లు రావాలని నీళ్లు ఇవ్వాలని మన ప్రియతమ నాయకులు ఆనాడు నినాదంతో अल्फला सोसाइटी की जानिब से गुज़श्ता कई दिनों से टेट के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया गया था, जिसमें 400 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और 15 मई को उनका मॉडल टेस्ट लिया गया.
अल्फा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से टेट में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तरबियती क्लासों का अहतमाम किया गया था, जिसमें 400 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने हिस्सा लेते हुए बेहतरीन और तजुर्बेकार असातिज़ा से तरबियत हासिल की। इन तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों की अहलियत को जांचने के लिए शहर के एक फंक्शन हॉल में टेट का मॉडल टेस्ट रखा गया, जिसमें तमाम 400 उम्मीदवारों ने शिरकत करते हुए अपनी अहलियत का इम्तिहान दिया। सदर सोसाइटी हलीम खान ने बताया कि अल्फला सोसाइटी मिली मफाद के लिए सरगर्म है और मुस्लिम नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल की सिमत गामजन करने के लिए मुमकिन मसाई कर रही है। टेट की कोचिंग और मॉडल इम्तिहान की तैयारी में दिगर जिम्मेदारान के साथ साथ सोसाइटी जॉइंट सेक्रेटरी समी अमान ने अहम रोल अंजाम दिया। सोसाइटी निजामबाद की जानिब से 28 मार्च टू 28 अप्रैल टेट प्लस DSC की फ्री कोचिंग अरेंज की गई, जिसमें करीबन 400 के करीब पार्टिसिपेंट्स आए और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के खिदमत हासिल करके उन्हें बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई और आज एक मॉडल टेस्ट रखा गया है ताकि वो सेल्फ असेसमेंट कर सकें। तेलंगाना जागृति की जानिब से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कॉलेजेस के करीब ठंडे पानी की तकसीम का नज़्म किया गया। जागृति कायद रेहान ने बताया कि एमसेट के तलबा दूर दराज मौजाजात से आते हैं, जिनकी सहूलत के लिए खिदमत अंजाम दी गई है। एमसेट इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा शहर निजामबाद को दूर दराज इलाकों से आते हैं, जिनके लिए जायद बसों की सहूलत फराहम की गई है। तेलंगाना जागृति की जानिब से सख्त व शदीद धूप के पेश नज़र रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कॉलेजेस के करीब तलबा के साथ साथ दिगर मुसाफरीन को ठंडा पानी पिलाने का नज़्म किया गया। तेलंगाना जागृति कायद मोहम्मद रेहान ने बताया कि दूसरे मौजाजात से आने वाले तलबा प्यास की शिद्दत से परेशान रहते हैं और बेशतर तलबा कीमती पानी खरीद कर पीने के मुतहम्मिल नहीं होते, इसीलिए इन तलबा की सहूलत के लिए ठंडे पानी की तकसीम का नज़्म किया गया है। तेलंगाना जागृति यूथ की जानिब से किले के सेंटर पर और बस स्टैंड पर हम लोगों ने एक इंतज़ाम किया है पब्लिक के लिए, एग्ज़ाम्स अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है। इसी दौरान हम लोग ये भी काम कर रहे हैं कि जो तेलंगाना यूनिवर्सिटी को जा रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, उन बच्चों के लिए बसेस का भी इंतज़ाम किया गया था। इसका हम तय दिल से शुक्र अदा करते हैं। कलवाकुंतला कविता मैडम निज़ामबाद की MP है और हमको हमेशा से उनके ये रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं कि हम हमेशा पब्लिक में जाएं और स्टूडेंट्स, स्पेशली यूथ और स्टूडेंट्स जो उभर कर आएँ काम करने के लिए, जैसे कि आज देख रहे हैं हम नौजवानों की काफ़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे। सिर्फ पानी जो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, उस पानी की सिम की जा रही है। इसका मैं आप लोगों से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस वालों से भी, आप लोगों ने इसको कवर किया और इस अच्छे काम के अंजाम देने के लिए हमारा साथ दिया। ऑटो टॉप नंबर, डिजिटल प्लेट और लाइसेंस हर हाल में ऑटो में मौजूद रहें। साउंड सिस्टम ऑटो में कतई न लगाया जाए, बसूरत दिगर भारी जुर्माने आयद होंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ट्रैफिक CI का इंतबाह। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खिलाफ कानून गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। बिलखसूस ऑटो ड्राइवर्स को कानून का पाबंद बनाने के लिए सख्तगीर रवैया अख्तियार किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक चंद्रशेखर की क्यादत में ट्रैफिक पुलिस ने नए बस स्टैंड के रूबरू जबरदस्त तनखी की। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से टॉप नंबर, लाइसेंस और डिजिटल प्लेट के ताल्लुक से इस्तफसार किए और टॉप नंबर की अदद मौजूदगी पर 1,000 रुपये, डिजिटल प्लेट के लिए 1,000 रुपये और लाइसेंस के लिए 200 रुपये जुर्माने आयद किए। सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि अवामी तहफ्फुज़ को जहन में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस सख्तगीर रवैया इख्तियार कर रही है और ऑटो ड्राइवर्स की सख्त निगरानी के लिए डिजिटल प्लेट का लजूम किया गया है। खिलाफ वर्जी पर 1,000 रुपये तक जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर या मालिक अपने ऑटो के कागजात और लाइसेंस के साथ पुलिस स्टेशन को रुजू हों और आधार कार्ड भी साथ रखें तो उन्हें टॉप नंबर पुलिस स्टेशन से फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी लाजमी है, गवाह कोई भी हो अगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी और जुर्माने भी आयद होंगे और बाद मामलात में ऑटोज भी जब्त करते हुए RTO कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। निजामबाद में ऑटो चलाने वाले ऑटो ओनर्स की गुजारिश कर रहा हूँ, जो ऑटो चला रहा है उन्हें जरूर वो टॉप नंबर लेना, बिना टॉप नंबर 200 रुपये चलान होगा
और साउंड बॉक्स भी नहीं लगाना ऑटो में, अगर लगाए तो 1000 रुपये चलाना होता। दूसरी बात, मिल गए तो आरटीओ को भी जा सकूँ, उधर सीधा होता गाड़ी नहीं मिलता, इसलिए सबकी गुजारिश कर रहा हूँ ऑटो जो चला रहा ओनर और ड्राइवर कागज भी साथ रहना। एमसेट 2016 का इनेकाद अमल में आया। इस बार इम्तिहान गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही रखे गए। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज़ किला में 215 तलबा ने एमसेट इम्तिहान तहरीर किया, जिनके लिए तमाम तर सहूलतें फराहम की गईं। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज़ में एमसेट इम्तिहान का सेंटर रखा गया, जहां 215 तलबा ने इम्तिहान तहरीर किया। इस बार तलबा को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जायज सहूलतें फराहम की गईं। तलबा ने जोश खरोश से इम्तिहान में शिरकत की। इस बार खानगी कॉलेजेस इंतजामिया की जानिब से उनके कॉलेजेस में इम्तिहानी मराकज के ख्याम से इनकार के बाद रियासती हुकूमत ने सरकारी कॉलेजेस में ही एमसेट के इम्तिहानी मराकज कायम किए, जिनमें खिला जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज भी शामिल है। कॉलेज प्रिंसिपल रजीउद्दीन असलम ने बताया कि तलबा को तमाम तर सहूलतें बिलखसूस ठंडे पानी की सहूलत फराहम की गई और तलबा को बुकलेट भी हवाले कर दिया गया। इसके अलावा पैट की सहूलत के अलावा दिगर सहूलियात भी फराहम की गई। उन्होंने फारिग होने वाले तलबा से ख्वाहिश की कि वो मुस्तकबिल किसी पेश कदमी के लिए अपनी तालीमी मेहनत को जारी रखें। तारीख 15 मई को एमसेट का एग्ज़ाम हुआ। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ निज़ामबाद में 2 सेंटर थे, सेंटर ए और सेंटर बी, जिसके अंदर 240 और 240 के हिसाब से 2 सेंटर अलाट किए गए थे। बहुत खुशगवार अंदाज में, बिल्कुल अच्छे अंदाज में तमाम नज़्म ज़ब्त के साथ बेहतरीन एग्ज़ाम हुआ। आज हमारे पास 240 में से 15 बच्चे एबसेंट रहे और 225 बच्चे प्रेजेंट रहे। इस मौके पर ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त इस एमसेट के अंदर बुकलेट्स बच्चों को वापस दे दी गई है। एग्ज़ाम देने के बाद इससे पहले नज़्म नहीं था, पानी का बेहतर अंदाज में नज़्म किया गया है, हर क्लासरूम में घड़ियों का नज़्म किया गया है। बच्चों को सिर्फ कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं थी, पैड भी लाने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ से यहाँ पर उनको सहूलतें मुहैया की गई थी, जिसकी वजह से बेहतर अंदाज में वो एग्ज़ाम लिख के अभी अभी गए हैं। मैं इस मौके पर तमाम तलबा के नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और हमारे बच्चों से ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो घर में पढ़ लेते बैठे और आने वाले एग्ज़ाम्स की मेहनत करते हुए कामयाब हो। अब वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, इंतजार कीजिए। शहरियान निज़ामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निज़ामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन, मशहूर और मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट, जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील ब्रेक डांस क्रोसेल पहली बार आया हुआ, कब सासर रिवॉल्विंग टावर मैरी कोलंबस चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बनकनपल्ली में पीने के पानी की शदीद किल्लत का मसला दरपेश है। तमाम बोर पंप्स खुश्क हो चुके हैं। ज़मीनी सतहाब में भी ज़बरदस्त कमी वाक़ हुई है। आवाम को पानी के हसूल के लिए 1 किलोमीटर तक का फासला तय करना पड़ रहा है। माकलूर मंडल के मौजे बंकनपल्ली में पीने के पानी की शदीद किल्लत का मसला दरपेश है। इस मौजे के तमाम बोर पंप्स मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। पीने के पानी की मौसर सरबराही के लिए तामीर किए गए वाटर टैंक सिर्फ बराए नाम रह चुके हैं और आवाम तवील खतारों में खड़े रहते हुए ज़रई बोर के जरिए बड़ी मुश्किलों से पानी हासिल कर रही है। पीने के इस पानी के हसूल के लिए आवाम को 1 किलोमीटर के करीब फासला तय करना पड़ रहा है। पूरे गांव में सिर्फ एक ही बोर कारामद है, जिसकी वजह से यहां पर पूरा गांव उमड़ पड़ा हुआ है। पिछले 15 दिनों से पानी की शदीद किल्लत की वजह से कई लोग इस गाँव को छोड़कर जा चुके हैं। इस मौजे बंकनपल्ली में पीने के पानी की सरबराही के लिए 62,000 लीटर की गुंजाइश वाली 2 टाँकियों की तामीर अमल में लाई गई। इसके अलावा यहां 8 बोर पंप भी नसब किए गए, लेकिन इस गांव में जमीनी सतह में तश्वीशनाक हद तक तेज रफ्तार कमी वाकई हुई और इस तरह
बोर पंप मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गए। इन संगीन हालात की इत्तला मिलते ही मुतल्लिका महकमजात के अहदेदारों ने इस मसले की एक्सरे की कोशिश की। मुकामी सरपंच की भागदौड़ के बाद नए बोर पंप भी नस्ब किए गए, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद सरपंच और अहदेदार भी मायूस होकर खामोश बैठ गए और आवाम को पीने के पानी के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करना पड़ रहा है। आवाम की ये मुश्किल कब दूर होगी यह कहना मुश्किल है। आ बोर्ल मोतम पनचे वाटर टाकी वे नीलू मोतम एक्तिपोना बोर ओख टाकी रे बाकी नल्ला नीलू चाल इबंधी नीलूर की चाल समस्या मुख्य लेडीस एक् वाटर अच्छे वाटर दीवे जरूर उ जेट पंपल अभी एतिपोनाई चाला इबंधी होंगी अधिकार स्पंदर ले। डिवीजन 10 में नालियों की अदम सफाई और कचरे की निकासी में गफलत और पानी की सरबराही में मुसलसिल तातुल से अवाम परेशानियों से दोचार है। मुकामी अवाम ने बताया कि मसाइल की एक्सरे के लिए जब कारपोरेटर से रुजू किया जाता है तो वो गाली गलौज करते हैं और टैंकर ड्राइवर पानी की टैंकर के जरिए सरबराही के लिए रकमी मुतालबा करता है। डिवीजन 10 मिर्ची कम्पाउंड के अगबी हिस्से में वाकई बस्ती के अवाम ने मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि वो इस इलाके की सफाई में कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं करते। इनसे बारहा नुमाइंदगी की गई है, लेकिन वो इस सिम्त तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। मुकामी अवाम ने बताया कि उन्हें पानी की किल्लत का शदीद मसला लाख है और इस इलाके का बोर पंप खुश्क हो चुका है, इसलिए पानी का हसूल यहाँ के मकीनों के लिए मसला बना हुआ है। मुकामी खातून ने बताया कि जब इस कारपोरेटर से इस ताल्लुक से नुमाइंदगी की जाती है तो वो गाली गलौज करते हैं और संगीन धमकियां देते हैं। इसके अलावा दिगर मसाइल में भी वो लापरवाही व गफलत का मुजाहरा करते हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि यहाँ टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह किया जाता था, लेकिन टैंकर ड्राइवर भी टैंकर के जरिए पानी लाने के लिए फीकस एक घर से 10 रुपए का मुतालबा कर रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि ये एक गरीब इलाका है जहाँ की अक्सरियत मजदूर पेशा अफराद पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि आखिर हम टैंकर को देने के लिए पैसे कहाँ से लाएं, और जब बोर पंप की दुरुस्तगी के लिए कारपोरेटर से नुमाइंदगी की जाती है तो वो बदकलामी पर उतर आते हैं। मुकामी अवाम ने बल्दी हुकाम और जिले नज्म नक से मुतालबा किया कि वो संगीन हालात का जायजा लेते हुए इनके साथ इंसाफ करें। पानी के खातिर वो उनको काउंसलर को फोन कर रहे थे, उन्होंने क्या बोले, अम्मा की गाली दे रहे, गलीस गलीस बातें कर रहे, देखो नला भी नहीं है हमारे को, नलों का पानी नहीं आ रहा, फिर नला को तो भी पानी प्रेशर फुल छोड़ो बोल तो तुम्हारे बाप की जागीर है कि कौन ला के देता तुम्हारे को, वैसा बोल के बोल रहे उन्होंने काउंसलर साहब, हर अम्मा बहन के नीचे नहीं उतर रहे, गलीस गलीस बातें कर रहे रात को, लेडीज के ऊपर हमल हमल के आ रहे थे उन्होंने, यानी कि उनकी अम्मा थी यहाँ काउंसलर हमारे महले की, तो इन्हों क्यों आ रहे फिर बीच में, नहीं कराना है, लाइटा नहीं है, लाइटा के वास्ते क्यों फोन कर रहे, तुम्हारे बाप के नौकर है क्या बोल के बोल रहे, नौकर नहीं है तो फिर तुम क्यों लिए काउंसलरी, वजह क्या है तुम्हारी काउंसलरी के खड़े रहने की, टैंकर वाला आया तो टैंकर वाला बोल रहा की घर को 10-10 रुपए 20-20 रुपए वसूल करके दो बोल के बोल रहा, खड़े रह जा रहा मेरे पास, मैं नहीं रही तो भी एक नहीं लोगों को बोल रहा 10-10 20-20 रुपए उन्होंने वसूल करके देते, तुम क्यों नहीं दे रहे बोल के लड़ रहा हूँ। ఇక్కడ 10వ డివిజన్ లో చాలా కష్టం ఉంది, పోనీకి రానికి వస్తే లేదు, అంత దారిలోనే లాట్రిన్ కూర్చోవడము నల్లలే కష్టము, అసలు మోరీలు కూడా తీయడం లేదు, ఇంట్లోకి స్మెల్ వస్తున్నాయి, ఇక పెద్దవాళ్ళు వస్తారు ఇక ఏంటమ్మా అని అంటే ఇది క్లమ్ ఏరియా అమ్మా ఇక్కడ మేము చేయము అని అంటారు, చాలా అన్నిటికీ చాలా కష్టం ఉంది మాకు, అసలు పోనీకే వస్తలేదు చాలా కష్టంగా, పిల్లలు అన్ని రోగాలు అవి ఇవి మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం, వాటర్కి చాలా కష్టం ఉంది, అన్నిటికీ కష్టం ఉంది మాకు, ఇక్కడ ఉండాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, తాగడానికి కూడా నీళ్ళు వస్తలేవు, ట్యాంకర్ వస్తున్నది ఇంకా అక్కడ కూడా సరిగా పైసలు అడగడము అక్కడ కూడా సరిగా దొరకడం లేవు। మస్జిద్ రహమానియా అహ్మద్పురా కాలనీకి అసరేనో శాందార్ తామీర్ కే లియే काम जारी है। सदर तामीरी कमेटी ने अहल खैर हजरात से ताउन की ख्वाहिश की और बताया कि इस मस्जिद में पंचवक्ता नमाजों में मुसल्लियों की कसीर तादाद शरीक रहती है, जिनके लिए ये मस्जिद नाकाफी साबित हो रही है और तामीर भी पुरानी व खस्ता हो चुकी है, लिहाजा इसकी असरनो तामीर की जानी लाजमी है। रहमानिया मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी शहर निज़ामबाद की कदीम मसाजिदों में से एक है। ये मस्जिद सबसे पहले टट्टियों और शेड के जरिए तामीर की गई थी, उसकी 1978 में पुख्ता तामीर अमल में लाई गई और फिर उसमें बतदरी तोसी व तरमीम का काम
मुसलसिल होता रहा, लेकिन इस मस्जिद की असल इमारत की तामीर हुए करीब 35 या 36 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है और उसका छत बोसीदा हो चुका था। लिहाजा मौजूदा कमेटी ने फैसला किया कि अब इस पुरानी मस्जिद को शहीद करते हुए असरनो नई मस्जिद की तामीर अमल में लाई जाए। ये मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात का अहम मरकज है, जहां मुसल्लियों की कसीर तादाद पंचवक्ता नमाजों में शरीक रहती है और जुमा के दिन तो मस्जिद अपनी तंगदामानी का शिकवा करती है। इस मस्जिद के अतराफ अक्सरियत गरीब तबके के अफराद की है, लिहाजा इसकी तामीर में चंद सरमायादार अफराद ने आगे बढ़ते हुए दिलचस्पी ली और हैदराबाद के एक आर्किटेक्ट से नई मस्जिद की तामीर के लिए नक्शा हासिल किया और अहले खैर हजरात के ताउन से एक वसी व शानदार और हमा मंजिला मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया गया। इस तामीरी काम की शुरुआत हो चुकी है और उसके पिलर स्लाब लेवल तक पहुंच चुके हैं। मस्जिद की तामीरी कमेटी के सदर शेख इस्माइल अफसर ने बताया कि इस मस्जिद की खूबसूरत और दीदाज़ेब तामीर के लिए खतीर सरमाए की जरूरत लाक है, इसलिए उन्होंने अहल खैर हजरा से आगे आने और मस्जिद की तामीर में ताउन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है और उसमें जब तक इबादत जारी रहेगी अजर व सवाब का सिलसिला भी जारी रहेगा, इसलिए अहल खैर हजरात अपनी उखरवी कामयाबी के लिए इस पुरसादत मौके से इस्तेफादा करें और मस्जिद के तामीरी काम में भरपूर ताउन करते हुए अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लें और अपनी दुनिया व आखिरत को सवार लें। मस्जिद रहमानिया पुराने सदी में मस्जिद बनाई गई थी, करीब 42 साल गुजर चुके हैं। 1972 में मस्जिद की तामीर अमल में लाई गई थी, लेकिन 40-42 साल हो जाने की वजह से इसका छत बोसीदा हो चुका था। लिहाजा 2 साल से कोशिश थी हमारी कि हम मस्जिद को नई जदीद तामीर करें, लिहाजा इस ताल्लुक से हमने एक तामीरी कमेटी बनाई। मैं सदर इंतजामी कमेटी होने के नाते पूरे इंतजाम मेरी निगरानी में और हमारी कमेटी की निगरानी में चल रहे हैं। आर्किटेक्ट जनाब सलमान साहब की खिदमत हासिल की गई है, जिन्होंने कहा कि करीब इस इमारत की तामीर के लिए जदीद करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस 1 करोड़ के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन करीब हमें सिर्फ 15 लाख वसूल हुए और हमने 15 लाख रुपए से काम का आगाज़ किया। आप जो है मस्जिद की नई जदीद इमारत देख रहे हैं जिसका काम चल रहा है जोरों पर, आप तमाम हजरात से हम पुरखलुस ख्वाहिश करते हैं कि मस्जिद रहमानिया की तामीर के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा औरतें अपने महर भी अदा कर सकती हैं, अपने मरहूमीन के नाम से भी आप दे सकते हैं। फोर्थ क्लास मुलाजमीन की यूनियन की नई बाड़ी तश्कील पाई, तमाम जिम्मेदारों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। राम जी फोर्थ क्लास मुलाजमीन यूनियन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। टीएनजीओ जिला सदर किशन ने उन्हें मुबारकबाद दी। टीएनजीओ भवन में फोर्थ क्लास मुलाजमीन की यूनियन के इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। जिला भर के फोर्थ क्लास मुलाजमीन ने इस इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेते हुए अपनी राय दी और मुलाजमीन की मुश्तरका राय से जिला सदर की हैसियत से ए रामजी, एसोसिएट सदर की हैसियत से नागाराजू, नायब सदर की हैसियत से रामू और सेक्रेटरी की हैसियत से राजेश्वर का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। नो मुंतखबी कमेटी के जिम्मेदारान को मुलाजमीन ने मुबारकबाद देते हुए गुलपोशी की। इस मौके पर टीएनजीओ जिला सदर किशन ने अपने खिताब में कहा कि मुलाजमीन की यूनियन का बिला मुकाबला इंतखाब एक खुशाइन बात है, इससे जाहिर होता है कि मुलाजमीन में जबरदस्त इत्तेहाद मौजूद है। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि नौ मुंतखब बाड़ी मुलाजमीन के मसाइल की एक्सवी में जद्दोजहद करेगी। चक्का का शुरू का पंजेसार अनि मंची में मेंता जेस नमा माकंदे इंपा अंतु एकपा जेसी शुरूपी सार अनि ये नाचिस तबुना दीन वेनिकला ये जो साध्यक्षुलो युवक उत्साहवं किशन गुटार ने राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शन नी जिवासी ने उठा। नाजरीन अब देखेंगे खबरें जरायम व हादसात की। घरेलू तनाजात से तंगाकर एक खातून ने जहरीली कीड़े मार दवा पी ली।
شدید بگڑی ہوئی حالت میں اس کو سرکاری دواخانہ نظام آباد لایا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں جانبر نہ ہو سکی۔ آرمو منڈل کے موضع مامڑ پلی کی رہنے والی سریتا نامی خاتون گھریلو تنازعات کی وجہ سے شدید ذہنی اذیت سے دو چار تھی۔ بلاخر اس نے انتہائی اقدام کرتے ہوئے زہریلی کیڑے مار دوا پی لی۔ اس کو شدید بگڑی ہوئی حالت میں افراد خاندان سرکاری دواخانہ نظام آباد کو منتقل کر رہے تھے کہ وہ جانبر نہ ہو سکی۔ اس کی ناش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایک تیز رفتار آٹو نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اس کو سرکاری دواخانہ نظام آباد منتقل کیا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ بچکندہ منڈل کے موضع منی پور کا رہنے والا ساحل نامی شخص اپنی موٹر سائیکل پر اپنے گاؤں کی سمت جا رہا تھا کہ ایک تیز رفتار آٹو نے اس کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں شدید زخمی ساحل کو اس کے افراد خاندان سرکاری دواخانہ نظام آباد لا رہے تھے کہ وہ راستے میں زخموں سے جانبر نہ ہو سکا۔ اس کی ناش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کیا گیا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک تیز رفتار لاری نے آٹو کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں دلیپ نامی شخص شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اس کو علاج کے لیے سرکاری دواخانہ نظام آباد میں شریک کروایا گیا، جہاں وہ تشویشناک حالت میں زیر علاج ہے۔ بھائیسا منڈل کے موضع عمری کا رہنے والا دلیپ نامی شخص مندر جا کر واپس ہو رہا تھا کہ ایک تیز رفتار لاری نے اس کے آٹو کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں دلیپ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد نے اس کو سرکاری دواخانہ نظام آباد منتقل کیا، جہاں اب وہ زیر علاج ہے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ ضلع کلکٹر نے ایم سیٹ امتحانی مرکز کا دورہ کیا۔ طلبہ کو سمجھ کر جواب لکھنے کی تلقین کی۔ طلبہ کی خواہش کے مطابق تعلیم فراہم کرنے اولیاء طلبہ کو مشورہ دیا۔ آئندہ نسل کو پانی کی قلت سے محفوظ رکھنے گڑے کھدوائیں۔ پانی کو اپنے ہی مکانوں میں جذب کروایا جائے۔ زمینی سطح آب کا تحفظ کرنے عوام کو میئر بلدیا کا مشورہ۔ موضع بنگن پلی کے عوام پانی کی شدید قلت سے پریشان۔ زمینی سطح آب خشک، بور پمپس ناکام۔ ایک کلومیٹر دور فاصلہ طے کرتے ہوئے پانی کا حصول۔ فورتھ کلاس امپلائیز ایسوسی ایشن کی نئی باڈی بلا مقابلہ منتخب۔ رام جی بنے نئے صدر۔ پی این جو صدر کشن نے مبارکباد دی۔ خبریں اتنی ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔